डाडू। शताब्दियों पूर्व यहां केवल तीन जातियों के लोग रहते थे, गद्दी जिनका पेशा भेड़ बकरियां चराना था, ब्राह्मण कर्मकांड करने वाले और सिप्पी जाति के। ये सभी जातियों के लोग अपने अपने कार्य करने के साथ साथ भेड़ बकरियां भी पालते थे। यहां हरेलू जाति अत्रि गोत्र का अग्गड़ नामक गद्दी रहा करता था। उसका पेशा भेड़ बकरियां चराना और खेती बाड़ी करना था। यह क्षेत्र ढाडू से लेकर मंदीधार तक जुड़ा था। अग्गड़ गद्दी अपनी भेड़ बकरियों को लेकर मंदीधार कभी पाडर मड़ोआ दक्षिण में कालीधार में जाया करते थे। एक बार उसके साथ एक घटना घटित हुई। वो बेचारा सीधा साधा भोला पाला था और धार्मिक वृत्ति उसमें पहले से ही थी। पाडर में एक बार बीमारी पड़ी, भेड़ बकरियों की मृत्यु होने लगी। अग्गड़ गद्दी का मन बड़ा दुखी हुआ। वो अपने इष्ट देव के सम्मुख आकर आंखें मूंद कर बैठ गया। पाडर में परियों का प्राचीन स्थान था। तभी वहां अग्गड़ गद्दी के सम्मुख लाल कपड़े धारण किए एक कन्या आकर खड़ी हो गई। उसने अग्गड़ गद्दी से कहा, तुम व्यर्थ ही चिंता करते हो, इतना परेशान होने की कोई बात नहीं। तुम मेरे नाम का धूप दीप जलाओ, जल में वभूति मिलाकर उस जल का अपनी भेड़ बकरियों तथा परिवार पर छिड़काव करो, जल पिलाओ, सब कुछ ठीक हो जाएगा। तब अग्गड़ गद्दी ने हाथ जोड़कर विनती भाव से खड़े होकर विनम्र शब्दों में पूछा, हे देवी, आप कौन हैं और कहां से आई हैं? आपका यहां इस भयानक वन में आने का अभिप्राय क्या है? तब उस कन्या ने उत्तर दिया, मैं चंडी मां मिंदलावाली हूं, तुम्हें दुखी और परेशान देखकर यहां आई हूं। अग्गड़ गद्दी ने दोनों हाथ जोड़कर दंडवत प्रणाम किया और कहा, हे मिंदला वाली माता, मैं आपकी शरण में हूं, आप मुझ पर कृपा दृष्टि बनाए रखें, मैं आपको कोटि कोटि नमस्कार करता हूं। अग्गड़ गद्दी ने हाथ जोड़कर फिर दंडवत प्रणाम किया और कहा, माता, मेरी भेड़ बकरियां और परिवार के सभी लोग ठीक राजी खुशी रहें, मैं आपके मिंदला गांव में मंदिर में एक बकरे की बलि दूंगा। उस दिन के उपरांत अग्गड़ गद्दी की भेड़ बकरियां और परिवार के लोग ठीक हो गए। कुछ दिनों के बाद अग्गड़ गद्दी अपने साथ बकरा लेकर मिंदलावाली के दरबार में हाजिर हुआ। दरबार में पहुंचते ही अग्गड़ गद्दी में माता का प्रवेश हुआ। इसके बाद पूरे गांव के सभी लोग अपने अपने गले में पलुआ तथा मुंह में घास डाले हाथ जोड़कर मां के चरणों में आकर दंडवत प्रणाम और विनम्र प्रार्थना करने लगे, हे चंडी मां, हम पर कृपा बनाए रखो, यहां से मत जाओ, आपकी कृपा हम पर बनी रहे, यही हमारी प्रार्थना है। तभी मां चंडी ने अग्गड़ गद्दी से अपना प्रवेश हटा लिया, त्रिशूल वापस यथास्थान पर ही रख दिए गए। लेकिन तभी एक चमत्कार हुआ, अग्गड़ गद्दी के थैले में एक त्रिशूली रह गई। इसी कारण से मां चंडी की उत्पत्ति मिंदला माता से मानी जाती है। तभी से मिंदला माता के पुजारी ने अग्गड़ गद्दी से ये वचन दिया कि आज से कोई भी हरेलू जाति का भक्त बकरे को साथ लेकर मिंदला माँ के दरबार में बकरे की बलि देगा, उसे बलि का आधा भाग दिया जाएगा। अग्गड़ गद्दी उस त्रिशूल को अपने साथ लेकर पाडर कालीधार अपनी भेड़ बकरियों के पास पहुंचा। शाम और सुबह मां चंडी की पूजा करता था।
कभी भी अनहोनी होने से पूर्व माँ चंडी अगड़ गद्दी को उसका आभास करवा देती थी। अगड़ गद्दी परिवार पाडर से अपनी भेड़ बकरियों को लेकर किश्तवाड़, भद्रवा और सरथल से होता हुआ अपने गांव ढाडू बदरा में पहुंचा। जब गद्दी घर पहुंचा, उसने 3 फुट लंबी और 3 फुट चौड़ाई का एक प्लेटफॉर्म बनाया। उस पर त्रिशूल को विराजमान कर गोसाई पंडित द्वारा उसकी प्रतिष्ठा करवाई। ये स्थान चंडी माँ को बड़ा ही सुहाना लगा। त्रिशूल को पर्दे में रखा गया है। त्रिशूली को पर्दे में रखा गया है। जब भी कोई अनहोनी घटना होने की संभावना होती है, उसे पर्दे में से बाहर निकाला जाता है, अन्यथा उसे पर्दे में ही रखा जाता है। इसे ढाडू वाली चंडी माँ कहा जाता है। अब पुराने प्लेटफॉर्म और मंदिर को नव निर्मित कर एक भव्य सुंदर मंदिर में परिवर्तित कर दिया गया। यहां 3 मूर्तियां रखी हैं। इन मूर्तियों के पीछे चांदी और लोहे के त्रिशूल स्थापित हैं। मंदिर का गर्भगृह इतना बड़ा है कि यहां आराम से 100 भक्तों को एक साथ बैठाया जा सकता है। यहां श्रद्धालु भक्तों के खाना बनाने के लिए बर्तन भी उपलब्ध करवाते हैं। रात्रि को सोने का प्रबंध भी किया जाता है और ओढ़ने के लिए कंबल आदि भी उपलब्ध करवाए जाते हैं। माता के मंदिर में सुबह 7 से 8 और शाम को भी इसी समय चंडी माँ की पूजा अर्चना की जाती है। आरती में घंटों, घड़ियाल, सारंगी, बांसुरी, ढोल नगाड़े, कैंसियां, ताशे, रणसिंघे आदि बजाए जाते हैं, जिसकी ध्वनि से आकाश गूंज उठता है। इसके साथ मोरपंख और चोर झुलाए जाते हैं। आरती देखकर स्वर्ग सा वातावरण महसूस होता है। सदियों से अगड़ गद्दी से चेले का वंश और हीरूदास पुजारी से हरेलू वंश इसकी पूजा अर्चना करता आ रहा है। अगड़ गद्दी के चेले के उपरांत जो चेले मां भगवती की सेवा में रहे हैं, उनके क्रमानुसार नाम इस प्रकार हैं: हीरूदास, ठाकुरदास, जटुराम, ज्योतिराम, डिंजुराम, चंदनराम, सूरतराम, दयालाराम, लुडरराम, अजराराम, कन्हैयाराम, गंगूराम, वोडोराम, रसीलूराम, दीनूराम, रफीराम, डोसूराम, देवीदास, फतूराम, सैनीराम आदि। चंडी माता अगड़ गद्दी चेला और हीरूदास पुजारी से प्रत्यक्ष रूप में खड़े होकर बात करती थी। अगड़ गद्दी और हीरूदास को ये वचन दिया कि जब तक आपका वंश रहेगा, मैं आपके वंश में वास करूंगी। इस प्रकार सदियों से माता इस वंश में रहती आई हैं। एक बार अगड़ गद्दी अपने परिवार के किसी व्यक्ति की अस्थियां लेकर हरिद्वार गया था। उसके साथ वजीरोराम और गांव के कुछ और लोग भी थे। हरिद्वार से जब वापस आने लगे तो अगड़ गद्दी के साथ एक छोटा सा बच्चा आ गया। उस बच्चे की जाति, गोत्र, वंश का किसी को कोई जानकारी नहीं थी। गांव में आकर वो बच्चा अगड़ गद्दी के साथ उसकी भेड़ बकरियां चराने लगा।